सारे श्रोतियां रणजीत कौर संधू सोनी दी प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों रणजीत रेडियो सबसक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। हुण पेश ने खबरां। सिख फॉर जस्टिस दे गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं पत्र लिखिया, जिस विच 4 जुलाई नूं पंजाब दी आजादी ते गैर सरकारी रेफरेंडम लई पंजाब विच वोटर रजिस्ट्रेशन खोलण तों पहलां श्री अकाल तख्त साहब तों समर्थन लैण दी गल कही है। इसे दौरान दरबार साहब दे आले दुआले दी सुरक्षा वधा दित्ती गई है। सूत्रां अनुसार जेकर अकाल तख्त साहब ते इस तरह दी अरदास करदा है तां उस नूं गिरफ्तार किया जा सकता है। जेकर उसते कानूनी कार्रवाई होंदी है तो UAE यानी कि अतवाद रोकू एक्ट तहत उसकी घट्टो घट 7 साल तक जमानत नहीं हो सकती। साबका विधायक रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा ते श्रोमणी अकाली दल टकसाली दे सूबा सकत्तर जथेदार अमरीक सिंह गिल ने कहा है कि श्रोमणी अकाली दल टकसाली दा नाम नहीं बदलिया जाएगा क्योंकि इसका गठन श्री अकाल तख्त साहब ते अरदास करके किया गया ते ओ सूबे दी खुशहाली ले हमेशा तत्पर रहेंगे। इसलिए जथेदार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा पार्टी की प्रधानगी देने नूं भी तैयार ने। बरगाड़ी विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बेअदबी मामले च विशेष जांच टीम ने 7 डेरा प्रेमियों नूं गिरफ्तार किया है। मामला पिंड बुरज जवाहर सिंह वाला तो चोरी हुए श्री गुरु ग्रंथ साहब अते बरगाड़ी विखे हुए श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी दा है। चंडीगढ़ विच कोरोना के कारण विगड़े हुए हालातों नूं देखदिया होया सरकारी स्कूलों दीआं फीसां 9वीं तो लैके 10वीं तक 6 महीनियां लई माफ कर दित्तियां गईआं ने। इह फीसां अप्रैल तो सितंबर तक नहीं ली जाएगी। जिला गुरदासपुर विच कोरोना मरीजों की गिनती लगातार बढ़ रही है, इसलिए डेरा बाबा नानक पूरी तरह सील कर दिता गया। उधर पंजाब विच बीते 24 घंटों 153 मामले सामने आए ने। पंजाब सरकार वालों जारी किए अंकड़ों मुताबक अमृतसर तो 11, लुधियाने तो 54, जलंधर तो 19, संगरूर तो 18, पटियाले तो 12, मोहाली तो 4, गुरदासपुर तो 10, पठानकोट तो 1, तरनतारण तो 6, हुशियारपुर तो 1, नवांशहर तो 6, फरीदकोट तो 1, मोगा तो 4, फाजिलका तो 1, फिरोजपुर तो 2, बठिंडे तो 1, कपूरथले तो 1, बरनाले तो 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मामला सामने आया है। तुसी सुन रहे हो खबरां रणजीत रेडियो तो। रणजीत रेडियो नूं सबसक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भुलना। ते हुण पेश ने कुछ राष्ट्रीय खबरां। भारत के पूर्व सैनिक खुफिया प्रमुख जनरल रिटायर्ड अमरजीत बेदी का कहना है कि भारत नूं अपनियां खुफिया एजेंसियां दी समीक्षा करनी चाहीदी है। जे कोई त्रुटि है तो उसनूं इस संकट काल तो बाद ठीक करना चाहिए। इदां दी जांच कारगिल हमले तो बाद करवाई गई सी ते उस लई एक विशेष टास्क फोर्स बनाया गया सी। भारत विच उत्तर प्रदेश मैट्रो रेल कारपोरेशन ने तकनीकी खामियां कारण कानपुर आगरा मैट्रो लई चीनी कंपनी का टेंडर रद्द कर दिता है। बंबार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नूं मैट्रो प्रोजेक्टां लई मैट्रो ट्रेनों की सिखलाई टैसटिंग अते चालू करन दे नाल नाल रेलवे नियंत्रण अते सिग्नलिंग प्रणाली का इकरारनामा दे दिता है। देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों के अंदर 22,771 नवे कोरोना केस सामने आए हैं ते 442 लोगों की मौत हो गई है। पीड़ित मरीजों का अंकड़ा 648,315 हो गया है ते 18,655 लोगों की मौत हुई है, जबकि 394,227 लोग ठीक हो गए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने उम्मीद जताई है कि भारत में बनी कोरोना वैक्सीन 15 अगस्त तक लॉन्च हो सकती है। इस विदेशी वैक्सीन को ICMR और हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनियां ने मिलकर बनाया। क्लीनिकल ट्रायल लिए भारत ने 12 संस्थानों को चुना है। खेल मंत्रालय ने शनिवार को भारतीय कोचों द्वारा अलीट अथलीटा नूं ट्रेनिंग देण ते वेतन की सीमा राशि 2,00,000 रुपए हटाउण की घोषणा की है तां कि उह वधिया नतीजे देण लई तत्पर होण। रणजीत रेडियो नूं सबसक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भुलना। ते हुण पेश ने कुछ अंतरराष्ट्रीय खबरां। कोरोना वायरस कित्थों शुरू होया इस गल की जांच WHO की टीम चीन विच करेगी। पूरी दुनिया का चीन ते इल्जाम है कि उसने कोरोना की जानकारी देर नाल दुनिया नूं दित्ती जिसके भयानक नतीजे भुगतने पै रहे ने। दुनिया विच कोरोना महामारी कारण लगभग 5,00,000 तो वध लोग मर चुके ने। यह पता लगाउण की कोशिश की जा रही है कि किस जानवर तो यह वायरस इंसान के शरीर में आया ते दसंबर तो पहला उत्थे की होया सी। नेपाल विच प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली नूं लैके कमासान सियासत चल रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने नेपाल की वर्तमान सरकार के संकट को लेकर
दूसरे पहलुओं तो विस्तार नाल एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट मुताबक पीएम अपनी कुर्सी बचाने लिए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नूं वंडण दी कोशिश ने। इस मामले विच पाकिस्तान ते चीन ते भी दोष लग रहा है कि वह पीएम की मदद कर रहे ने। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि NSAB के प्रधान PS राघवन का कहना कि भारत को मोबाइल तकनीक और होर खेतरों में सिर्फ स्वदेशी कंपनियों पर भरोसा करना चाहिए है। जरूरत पैण से सिर्फ भरोसेमंद विदेशी कंपनियों को ही कारोबार की आज्ञा देनी चाहिए है। फिलस्तीनी खेत्र से वसी इजरायली बस्तियों वाले इलाकों को कब्जे में लैण के लिए इजरायली संकट में मतदान होना है। इजरायल इस पर अपना दावा करता है पर बहुत सारे देश इन बस्तियों अवैध समझते हैं। इजराइल अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन है। तो हम पेश है बॉलीवुड न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी का फंदा लगाने जिस कपड़े का इस्तेमाल किया हूँ उसकी भी जांच होगी कि वह कपड़ा सुशांत का भार उठाने के काबिल सी या नहीं इस गल की जांच होगी। दस दिए कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई जिसन आत्म हत्या दसया जा रहा है उस वेले उन्होंने भार 80 किलो सी। इस नाल बांद्रा पुलिस ने डायरेक्टर संजय लीला बंसाली भी पूछगिछ लिए बुलाया। पुलिस हर एंगल तो छानबीन कर रही है। तुसी सुन रहे सी खबरां रेडियो रणजीत तो। रेडियो रणजीत नूं सबसक्राइब करना, लाइक करना ते शेयर करना ना भुलना ते अपना फीडबैक देने लिए newsonistudio@gmail.com ते मेल जरूर करना। इस नाल ही अपनी दोस्त रणजीत कौर संधू सोनी नूं दिया गया सारण प्यार भरी सत श्री अकाल।